नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर फार्म हाउस किन्नाई और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो आज दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा कि 25 दिन का जो मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए फार्म के अंदर, इस बारे में। तो 25 दिन का मैनेजमेंट दोस्तों हमेशा सुबह आकर, मैं पहले भी ये बात बार बार बोल चुका हूँ कि जब भी आप फार्म के अंदर आए सुबह के टाइम, आप देखिए कि बाड़ के अंदर कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद उस हिसाब से आप अपना दिन का शेड्यूल रेडी कीजिए, तैयार कीजिए कि आज ये प्रॉब्लम हो रहा है कि इसके लिए आज इस वाले प्रोसेस को, इस वाले काम को मैं पहले करूँगा, उसके बाद दूसरा काम करूँगा, उसके बाद तीसरा काम करूँगा दोस्तों। सो दोस्तों, मेरे फार्म के अंदर 2-3 दिन से एक प्रॉब्लम हो रहा था कि एक वायरल इन्फेक्शन आया था, जिसके कारण जो बार्ड्स के अंदर जो डायरिया जैसी चीज़ आ जाती है, वायरल इंजेक्शन की। अभी जब बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात का टाइम में बाहर की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ बहुत सारे बांस के पेड़ है, तो इसके वजह से बहुत सारे ये ऐसे पत्ते बाहर पड़ते रहते हैं। उस जगह पर फार्म की उस तरफ आप देख सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे पत्ते एक जगह इकट्ठा होता है, उसके वजह से क्या होता है कि एक सैप भाव आ जाता है। एक भाव आने के बाद जो मिट्टी में बहुत सारी पॉइजन आ जाते हैं, उस प्रॉब्लम से बाढ़ का एक इशू आ गया था। तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक काम किया कि बाहर की तरफ पेपर देके, उस पेपर देने के बाद जो फार्म के जो इस वाले हिस्से में या फिर जो उस तरफ के हिस्से में, बाहर के हिस्से में, मैंने जो फार्मिंग का जो कीटनाशक होता है, जो खेती में इस्तेमाल करते हैं, उस कीटनाशक से मैं बाहर की तरफ अच्छे से पेपर बांध के उसके बाद स्प्रे किया, और शायद उसके बाद थोड़ा जो वाला प्रॉब्लम है वो कम हुआ। तो वो एक हफ्ते में एक बार कीजिए, अगर आपके जो फार्म में अंदर कोई ऐसा बीमारी या ऐसा इन्फेक्टेड आ गया है। और जब भी मैं सुबह आकर जिस दिन स्प्रे करता हूँ, उस स्प्रे से भी मैं फार्म की जो बाहर की तरफ जो जाली होती है उस तरफ एक बार स्प्रे करता हूँ अच्छी तरह से। जो बाहर की तरफ आप देख सकते हो, ये जो मकड़ी का जाला है या फिर जो डस्ट है, जो पॉइजन है, वो इंजेक्ट हो जाता है। तो अभी चलते हैं फार्म के मैनेजमेंट के तरफ। तो सुबह के टाइम मेरा पहला जो मैनेजमेंट का काम है वो है कि मैं सुबह आकर जो टैंक है उसमें पानी अगर भर देता हूँ, जो पुराना वाला पानी है उसको फेंक देता हूँ, उसके हिसाब से जो मेडिसिन मैं देने वाला हूँ सुबह के टाइम, उसके हिसाब से मैं पानी पहले डाल देता हूँ। उस पानी डालने के बाद दोस्तों मैं पहला काम करता हूँ कि मैं जो लीटर है, मैं जो स्प्रे कर देता हूँ सुबह के टाइम 8 बजे के पहले मैं स्प्रे कर देता हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम जो बाहर की तरफ जो हवा होता है वो हवा एकदम से कम बहता है, तो इसके लिए एकदम से हवा थम जाता है तभी स्प्रे करना सबसे अच्छा माना जाता है पोल्ट्री फार्मिंग के हिसाब से। तो स्प्रे करने का 2 टाइम होता है, एक है सुबह 8 बजे से पहले, और एक है शाम के पहले थोड़े बहुत, जब 4-5 बजे होते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर, जब शाम होते हैं तो उससे पहले थोड़े बहुत पहले आप स्प्रे कर सकते हो। तो सुबह के टाइम सबसे अच्छा होता है, इसलिए जब स्प्रे करना है तो सुबह के टाइम ही कीजिए। तो स्प्रे करने के बाद दोस्तों, जिस दिन स्प्रे करना होता है उसके बाद मैं लीटर को अच्छी तरह से रैकिंग करता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने लीटर को अच्छी तरह से रैकिंग किया है, और कितना जो डेले है, जो छोटे मोटे डेले हो जाता है, वो अच्छी तरह से नष्ट हो गया है। उसके बाद दोस्तों मेरा तीसरा वाला जो काम है वो है अच्छी तरह से जो चिक्स का डिंकर होता है, आउटर डिंकर होता है, उसको क्लीन करने की, क्योंकि उसके अंदर जो बार्ड्स का जो लाला, जो फंगस है, जो वायरल इंजेक्टेड जो लिक्विडिटी है, जो मुंह के अंदर लिक्विड जैसे एक आ जाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब बार्ड एक जगह पानी पीते हैं, तो एक बार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस दूसरे बार्ड में स्प्रेड कर देते हैं, या फिर जो मेडिसिन है वो अगर टाइम से एक्सपायर हो जाता है तो उसका जो पॉइजन है वो लगा रहता है। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस ऑटो रिंकर को अच्छी तरह से सुबह के टाइम स्प्रे क्लीन करने की, उसके बाद जो फीडर है उसको अच्छी तरह से 3-4 दिन में एक बार बड़े बार्ड में आप क्लीन कर सकते हो, अंदर की तरफ भी ऑल्सो आप उसको क्लीन कीजिए। तो ये था सुबह का मेन काम। उसके बाद अगर कुछ किस जगह पर लीटर अगर ख़राब हो जाता है, उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसको रैकिंग करने के बाद सुपर फॉस्फेट इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर सुपर फॉस्फेट है, आप देख सकते हो, मैं सुपर फॉस्फेट इस्तेमाल कर देता हूँ, उसके बाद उसको फिर से रैकिंग कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि लीटर का जो इशू होता है वो एकदम से ख़राब नहीं होता लीटर। तो यही था सुबह का काम। तो अभी मेरे बाड़ के अंदर एक थोड़ा बहुत वेट, बॉडी वेट का लेकर इशू आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि मैंने जब बाड़ मोटालिटी को काट के देखा है, मैंने देख रहा हूँ कि कुछ कुछ बाड़ में
इकोलाई जैसे ट्रेसेस थोड़े बहुत है और थोड़े बहुत साउंड का प्रॉब्लम है। इस साउंड का प्रॉब्लम शायद आया है कोई बैक्टीरिया इंजेक्शन से या फिर फंगस से। तो मैंने एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कुछ दिन पहले किया, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया। उसके अलावा दोस्तों मैंने बहुत सारे मेडिसिन इस्तेमाल किया, इम्यूनिटी बूस्टर इस्तेमाल किया। तो अभी मैं मल्टीविटामिन दे सकता हूँ, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े बहुत ये नोटिस कर रहा हूँ कि बाट के अंदर जो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम शायद इकोलाई जैसी बहुत सारी डिजीज़ से या फिर कुछ कुछ कारण से होता है। तो बड़े बाट में वो रिक्स मैं और नहीं लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, एक अच्छी सी मेडिसिन मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। पावरफुल मेडिसिन है जो देने के बाद शायद जो बड़े बाट में जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है। तो मेडिसिन है, मैं जिंटा मेडिसिन करूँगा। जिंटा एक इंजेक्टेड मेडिसिन है जो बाट के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो सिर के अंदर, वहाँ पर इंजेक्टेड कर देने पड़ते हैं। तो उसके लिए आज रात के टाइम मैं एक एक बाट को पकड़ करके अच्छे से जिंटा मेडिसिन से इंजेक्ट कर दूंगा। जो जिंटा करने के बाद शायद जो बाट का जो बॉडी वेट का इशू आता है, जो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए जो सिक्योर हो जाता है कि आज 25 दिन मेरे 10 दिन के बाद जो बॉडी वेट आने वाला है, लगभग 2200-2300 का जो बॉडी वेट आने वाला है, तो शायद वो बॉडी वेट आ जाए, उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। और इस टाइम पे अगर ग्रोथ में कोई गड़बड़ हो जाती है, कभी अभी का मैनेजमेंट आप देख रहे हैं कि अभी का मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ है ऐसे जिसके वजह से जो रिज़ल्ट अभी तक आया है बहुत अच्छे है। अगर इस टाइम में अगर इस रिज़ल्ट अगर लॉस हो जाए तो दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि इतने दिन अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ये अच्छी बात नहीं होता। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक काम कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से जिंटा मेडिसिन से इंजेक्ट कर रहा हूँ। जिंटा मेडिसिन देने के बाद शायद ये जो प्रॉब्लम है, जो ग्रोथ का छोटा मोटा इशू, एक दिन ग्रोथ में बॉडी वेट अच्छी तरह से आ रहा है, दूसरे दिन नहीं आ रहा है, तीसरे दिन साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम शायद ख़त्म हो जाता है। जिंटा सिर्फ इकोलाई के लिए नहीं होता है, और भी थोड़े बहुत बाट का जो इम्यूनिटी है उसमें अच्छी तरह से एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग मिल जाता है, उसके लिए जो प्रॉब्लम होता है वो जो बड़े वाले बाट में उसका जो इम्यूनिटी है वो बहुत हार्ड हो जाता है, बाट का जो मोर्टालिटी परसेंटेज है या फिर गुड है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो यही था दोस्तों 25 दिन का मैनेजमेंट। आशा कर दूँ कि इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिले होंगे। तो आज इंडिपेंडेंस डे है, तो सबको मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि जय हिंद, वंदे मातरम।